हेलो स्टूडेंट्स टूडे आई हैव कम इन फ्रंट ऑफ यू टेकिंग अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गुइन टू डिस्कस अबाउट द सेवन मिस्टेक्स दैट द टॉपर्स नेवर डू यानी कि आप अगर टॉपर बनना चाहते हैं इफ यू वॉन्ट डू बी द टॉपर्स आप ये मिस्टेक्स कभी नहीं कर सकते यू शुड नॉट बी डूइंग दीज मिस्टेक्स एंड जस्ट टू टेल यू दीज आर द मिस्टेक्स आई डिड ये मेरी मिस्टेक्स है ये मेरी गलतियां हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी और मैंने की तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि ये मिस्टेक्स बहुत ज्यादा डियरली कॉस्ट कर जाती है मैनेशिस्ट एम एन एम केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ डेली ट्वेंटी हो गया ट्वेंटी बोल सकता हूं मैं एंड आई हैव टॉट ऑफ स्टूडेंट एंड आई हैव रियली सीन कि ये सात गलतियां टॉपर्स कभी नहीं करते तो चलिए पहली गलती की बात करते हैं बहुत लंबा सेशन नहीं लेंगे छोटा सा सेशन है ये हमारा एंड द वेरी फर्स्ट थिंग इज दे शो दैट दे नो टू मच यानी कि ब्रैग करना मेरी एक आदत थी माई इट वॉज माई हैबिट ब्रैग करना देखो मुझे ये आता है देखो मुझे ये आता है। आई नो दिस आई नो दैट जो रियल टॉपर्स होते हैं वो कितना जानते हैं किसी को पता ही नहीं चलता कभी नहीं पता चलता वो सब अपने अंदर समा के रखते हैं वो ब्रैग नहीं करते वो इस छोटी छोटी जो कहते हैं ना कि छोटी छोटी जो स्मॉल काइंड ऑफ ईगो क्लाशेस दे नेवर फॉल इन टू दैट नहीं कुछ नहीं बोलते वो चुपचाप अपना काम करते चले जाते हैं अपनी पढ़ाई करते चले जाते हैं उनको सबसे ज्यादा पता होता है लेकिन कभी भी ये नहीं बताते कि देस येस आई नो एवरीथिंग नो दे डोंट डू दैट तो दे डू नॉट ब्राग अबाउट दैट दे नो टू मच ओके सबसे पहली बात कभी नहीं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई उनको क्या बेवकूफ समझे अगर आप टॉपर्स को देखोगे क्लास के अंदर बैठे हुए तो उनको लगे कान फिर लड़का है पीछे चुपचाप बैठा हुआ है अपना काम में लगा हुआ है कुछ नहीं बोल रहा कोई कुछ कह रहा है कुछ पूछ रहा है नहीं किसी डिस्कशन में नहीं सबसे पहली चीज दे नेवर शो दैट दे नो टू मच दे नेवर ट्राई टू पुट डाउन एनी बडी एल्स किसी को यह दिखाने की कोशिश नहीं करते कि तेरे को कम आता है? नहीं दे नेवर डू दैट दूसरा टेस्ट द नॉलेज ऑफ देयर टीचर्स देखो बेटा एक बात का ध्यान रखो मैं ये नहीं कहता कि टीचर्स को सब कुछ आता है या टीचर्स बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं। I won't say that. है आई से दैट भाई ह्यूमन बींग्स है लेकिन एक बात पक्की है कि जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं दे ऑल हैव द इंफॉर्मेशन दे हैव हैव ऑल द नॉलेज इनफ टू टीच यू इसीलिए वो आपके टीचर्स हैं अदरवाइज वो आपके टीचर्स नहीं होते अगर आप टीचर्स की नॉलेज टेस्ट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मे बी मे बी यू आर एबल टू गेट अ क्वेश्चन दैट अ टीचर डज नो एंड दैट आई डेड मुझे बड़ा मजा आता था टीचर्स को कहलवाने कि आई डोंट नो मुझे बड़ा मजा आता था लेकिन उससे होता क्या अपनी ईगो की सेटिस्फैक्शन होती है टीचर को बुरा लगता है लेकिन टीचर मोस्ट ऑफन जो है ना मुझे कई बार आज मैं फील करता हूं कि जो टीचर्स बोल देते थे आई डोंट नो वो इसलिए नहीं बोलते थे कि वो उनको आता नहीं था नो दे डेंट डू दैट वो इसलिए बोल देते थे आई डोंट नो कि उनको लगता था कि यार बच्चे की ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी चुपचाप बैठ जाएगा क्लास आगे बढ़ जाएगी वरना यहाँ पे डिबेट होता रहेगा दैट इज वॉट दे वुड बी थिंकिंग अबाउट इट तो ऐसा नहीं है कि टीचर्स को आता नहीं है ऑफन टीचर्स इसलिए नहीं बताते कि वो आपके कोर्स में नहीं होता और हो सकता है कोई चीज हो जो उनको नहीं आती हो तो क्या फर्क पड़ता है आप अपने टीचर्स की नॉलेज टेस्ट करते चले जाएंगे आगे से आगे बढ़ते जाएंगे और एक बात का ध्यान रखना टीचर्स की नॉलेज को टेस्ट करने के लिए आपको उनसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा क्या आपके पास उतना समय है क्या आप टीचर से ज्यादा पढ़े मैं पढ़ता था मैं पढ़ता था टीचर से ज्यादा पढ़ता था फिर क्या हुआ डॉक्टर आईडेंट बिकम एन इंजीनियर तो प्लीज डू नॉट डू दैट मैं हमेशा कहता हूं आई एम नॉट एन आइडियल पर्सन टू फॉलो डोंट फॉलो मी फॉलो वट आई से जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करो क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है मुझे अच्छी तरह पता है क्या क्या चीजें स्टूडेंट को फेल करवा देती है एंड दिस इज वन ऑफ देम क्योंकि इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है है ठीक तीसरा डिबेट ऑन द करेक्टनेस ऑफ देयर आंसर्स अरे भैया तुमने एक आंसर दिया किसी व्यक्ति ने कोई दूसरा आंसर दे दिया कोई जरूरी नहीं है कि सबका आंसर हो आप लड़ने पर लगे नहीं मेरा आंसर सही है मेरा आंसर सही है मेरा आंसर सही अरे यार उससे क्या हो जाएगा वट विल हैपन सीधी सी बात है इफ यू फील दैट योर आंसर इज करेक्ट कीप कीप योर माउथ क्वाइट चुप रहो टीचर से पूछ लो यार क्यों आपस में लड़ रहे हो पता है स्टूडेंट लड़े पड़े नहीं मेरा आंसर सही है मेरा तरीका सही है यही सही होना चाहिए ये बो इन सही अरे क्यों क्या हो जाएगा एग्जामिनेशन के अंदर जो आंसर आना है वो तो आना ही आना है ना उससे क्या फर्क पड़ जाएगा कि आपका आज आंसर सही दिख रहा है किसी को या गलत दिख रहा है सिंपली कोई कहता है और अब, अब मेरे साथ हुआ था बहुत बार हुआ था एक बार हुआ था उमराव जान एक मूवी है उमराव जान के अंदर बहुत अच्छे गाने हैं गजले हैं बहुत अच्छी मूवी है मैं, मैं बता रहा हूं अपना खुद का एक्सपीरियंस तो मैंने कहा मैंने कहा कि उमराव जान के जो गाने हैं वो आशा भोसले जी ने गाए हैं किसी स्टूडेंट ने बोला नहीं नहीं लता मंगेशकर जी ने गाया शॉकड क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि उमराव जान के जो गाने हैं वो आशा भोसले जी ने गाया आप नेट पर सर्च कर सकते हैं उस समय नेट नहीं हुआ करता था बहुत पहले की बात है उस समय हमारे फोन मोबाइल फोन हमारे पास नहीं होते थे इंटरनेट कनेक्शन नहीं हुआ करता था सो नहीं होता था तो उस समय चेक नहीं किया जा सकता था तो उसने बड़े कॉन्फिडेंटली बोला कि नहीं लता मंगेशकर जी ने गाया अब मैं डिबेट करने ही वाला था कि मेरा एक फ्रेंड मेरे साथ बैठा हुआ तो उसने मेरे हाथ पे हाथ रखा हाँ लता मंगेशकर जी ने गाया बात खत्म हो गई डिबेट ही नहीं हुआ उसने में वेरीफाई करने का कोई ऑप्शन नहीं था शर्ट लगाते वेरीफाई करते क्या करते घर आके जाके मैंने चेक किया एक्चुअली आई चेक एंड आई फाउंड इट वॉज बॉज संघ बाय आशा भोसले जी यस इट वॉज बट वट वुन बैट डिबेट मैं डिबेट करके कर, के, कर के लेता, क्या क्या लेता मिल जाता मुझे कि अगर लता मंगेशकर जी ने गाए हैं आशा भोसले जी ने गाए हैं कोई ये एग्जाम का क्वेश्चन तो था नहीं और अगर होता भी तो मुझे पता है मैं सही हूं मुझे मार्क्स मिल जाते भाई ठीक है वो सुनना चाहता है समझना चाहता है अगर वो डिबेट करना चाहता है तो ठीक है लेट हिम डू इट बाई यू डिबेट उसको करेक्ट करके आपको क्या मिल जाएगा एक टाइम वेस्ट गलत आंसर बता रहा है ठीक है, है तू सबसे अच्छा है एंड देन यू वेरीफाई टीचर अगर आपको डाउट होता है अगर आप श्योर है कि आपका आंसर करेक्ट तो ठीक है आराम से बैठिए इंटरनेट आज की तारीख में है इंटरनेट पे चेक कर लीजिए आंसर आपका सही है या नहीं या फिर टीचर से पूछ लीजिए अगर इंटरनेट पे नहीं मिलता तो हाँ बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो इंटरनेट पे नहीं मिलती उसके लिए आपको टीचर से बात करनी पड़ती है यस यू यू कैन नीड टू तो जस्ट डोंट डिबेट ऑन द करेक्टनेस ऑफ योर आंसर इफ फाइन इनफ एक बार आप उसको बता देंगे भैया मुझे ऐसा लगता है कि ये आंसर है वो कह रहा नहीं नहीं आंसर तो यही है ठीक है भाई यू आर राइट फाइन कोई ईगो पे मत लो मैंने कभी टॉपर्स को डिबेट करते हुए नहीं देखा कि उनका आंसर सही वो चुपचाप आंसर सॉल्व करते कोई पूछ लेता कि ऐसे है

आपको पता है अगर सिर्फ हम केमिस्ट्री की बात करें तो कितनी किताबें हैं केमिस्ट्री की के आपके पास हैं आठ किताबें विच इज ऑफ एनसीआर मतलब कि एनसीआरटी इलेवेंथ क्लास की दो किताबें हैं इलेवंथ पार्ट टू इलेवंथ पार्ट वन दो किताबें ये हैं ट्वेल्थ की दो किताबें हैं इलेवंथ ट्वेल्थ की पार्ट वन पार्ट टू चार किताबें तो ये हो गई देन यू हैव टू डू एग्जाम्पलर यस यू हैव टू डू एग्जाम्पलर एग्जाम्पलर की दो किताबें और हैं दोनों एग्जाम्पलर आपको करनी है उसके बाद आपको करनी है एक और किताब एंड दैट इज व्हाट वी कॉल कॉलेज लेबोरेटरी मैनुअल यस यू हैव टू डू द लेबोरेटरी मैनुअल ये सिर्फ केमिस्ट्री की के बात कर रहा हूं ठीक है अगर आप केमिस्ट्री की के बात करते हो आपको पता साढ़े चार हजार क्वेश्चन है आपकी एनसीआरटी और एग्जाम्पल में साढ़े चार हजार क्वेश्चन एनसीआरटी एग्जाम्पल में हो जाएंगे आपसे एंड देन इन एडिशन टू दैट साढ़े चार हजार क्वेश्चन के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं वो तो नेसेसिटी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम ये सारे के सारे सालों की बात करें तो नियर अबाउट पचास साल हो चुके हैं आईआईटी मेंस के एग्जाम होते हुए नीट का एग्जाम होते हुए नीट का एग्जाम के अंदर पहले डीपीएमटी एम्स का एग्जाम हुआ करता था आईआईटी के लिए हमारे पास एम्स का ए ए आई ट्रिपल ई का एग्जाम होता था ए आई स्क्रीनिंग होता था आई फाइनल होता था पता है तुम्हें कितने क्वेश्चन है अंदाजा है आपको सिर्फ केमिस्ट्री के और जो एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन में इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं उन क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जो एग्जामिनेशन आए हुए हैं जो एग्जामिनेशन आ सकते हैं

AIPMT, AIPMT एग्जाम हुआ करता था नीट के एग्जाम से पहले ए आई पी एम टी जो सब्जेक्टिव एग्जामी ने क्या बेवकूफ लड़का आई really, सेट क्या बेवकूफ लड़का है इंचार्ज ऑफ द इंस्टीट्यूट सेट की यह लड़का इस बार टॉप कर जाए तो बड़ी बात नहीं है. Said, ये क्या है जो उसने पढ़ा है वो उसको आता है जो नहीं पढ़ा उसको आता ही नहीं है डोंट स्टडी एनीथिंग इज रेलिवेंट टू दे आर टारगेट क्योंकि टाइम ही नहीं है दे डू दिंग्स विच आर रेलेवेंट फर्दर डिस्टर्ब अदर्स अगर आप मेरी बात देखेंगे तो हर जगह आपको यही लगेगा जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स इसी बात की तरफ पॉइंट आउट करते हैं कि भैया अपना टाइम वेस्ट मत करो दूसरों को डिस्टर्ब करने में आप खुद भी डिस्टर्ब होते हो किसी से पंगा लेना किसी से मजे लेना जैसे कि जब मैं कभी यहां पे बात कर रहा होता हूं जब मैं यूट्यूब की क्लासेस ले रहा होता हूं तो स्टूडेंट्स वहां पर बोल रहे होते हैं अरे तू ने ये कर दिया अरे तूने वो कर दिया अरे तूने ये कर दिया सर देखो वो डिस्टर्ब कर रहा है देखो उसका अरे क्या कर रहा है ब्लॉक करो आगे बढ़ो वाई डू यू आंसर और किसी पे कमेंट सर उसने ये कर दिया तू ये कर रहा है अरे तू वो कर रहा है अरे क्यों? क्यों वाई आपको पता है जब आप एक कमेंट लिखते हो तो उस कमेंट लिखने के अंदर आपका ध्यान उतने टाइम तक तो कमेंट पे होता है उस समय मेरी दो बातें चार चुकी होती हैं आपने अपनी ईगो को तो सेटिस्फाई कर लिया दूसरे को डिस्टर्ब करके लेकिन उस ईगो के सेटिस्फाई के चक्कर के अंदर आपने अपने कितने मार्क्स लूज किए डू डू यू नो दैट अ टॉपर विल नेवर इट मेरी क्लास के अंदर जितने भी अच्छे स्टूडेंट अगर आप मान लीजिए वहां पे रैंक्स की बात करते हो जब आप यहां पे जब हम प्लस स्पेशल क्लासेस लेते हैं उसके अंदर रैंक्स की बात करते हैं देन डू यू सी दैट द टॉपर्स दे डोंट इवन मेंशन एनीथिंग इन द नोट्स दे डोंट

करते रहो जो बोलना है बोल दो मैं यहां पे करता हूं ना स्टूडेंट बोलना शुरू करता है फालतू तो बोलना शुरू है टक ब्लॉक बोलता आई डोंट टू बी डिस्टर्ब एंड आई डोंट डिस्टर्ब अदर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस पॉलिटिक्स और रिलीजन नेवर एवर डिस्कस पॉलिटिक्स और रिलीजन विद एनी बॉडी किसी के साथ डिस्कस मत करो हर गिज नाई दीज टू आर द बेस्ट वेज टू मेक एनिमीज ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स जस्ट डोंट मैं कभी नहीं करता कभी नहीं करता यह मैंने सीखा है क्योंकि पॉलिटिक्स और रिलीजन में आप शुरू करोगे हर किसी को कही कहीं ना कहीं अरे भैया मेबी यू बिलोंग टू द सेम रिलीजन बट स्टिल इंटरप्रिटेशन वैरिज पीपल थिंक अबाउट डिफरेंटली फॉर द डिफरेंट सेम थिंग अब अगर हम बात करें ये अगर हम बात करते हैं कि बात करें कर्ण का जन्म कैसे हुआ था अरे भैया इसी बारे में लड़ाई हो जाती है सच में जस्ट डोंट डिस्कस पॉलिटिक्स और रिलीजन एक तो टाइम वेस्ट होगा और साथ में दिमाग और खराब होगा मूड और खराब होगा बिलीफ की ऐसी तैसी और लगोगी. जस्ट डोंट जस्ट डोंट ठीक है ये काम कुछ एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया ऑफ पीपल का है वही करते रहते हैं उन्हीं को करने दो हम लोग पढ़ने पढ़ाने वाले हैं हमें इन दोनों चीजों से कोई लेना देना नहीं है और भैया मैंने तो कभी किसी टॉपर को इस तरीके से किसी भी डिबेट में किसी भी डिस्कशन में पढ़ते देखा ही नहीं है नेवर दे विल नेवर डू दिस पॉलिटिक्स और रिलीजन अरे भैया टॉपर्स के तो नाम से अब चलो हमारे भारत में नाम से पता चल जाता है कौन सा किस चीज को बिलोंग करता है कौन से रिलीजन को बिलोंग करता है पॉलिटिक्स का फिर पता नहीं चलता लेकिन टॉपर्स के बारे में तो यार नाम से भी कुछ नहीं पता छोटा सा एक नाम होगा अब एक नाम है अमन है अमान है वी वी नो नो अमन है अमान है अगर मैं अमान को अमन बोल दूंगा अब यहां पे हमारी क्लास में एक स्टूडेंट है हम उस मैं उसको आयन आयन बोलता हूं आई कॉल हिम आयन ठीक है बट हिज नेम इज लो फर्क पड़ा ना और मुझे पता ही नहीं था नेवर बॉर्डर्ड अबाउट इट इटी एल्स मी आया है आप आयन क्यों बोलते हो मैंने कहा मैं वाला हूं इसलिए मुझे आयन ज्यादा अच्छा लगते है आयान नहीं आई बिलीव हो सकता है ये वाला सेशन वो भी देखे और मेरे को हो सकता है वो कमेंट करे और उसके फ्रेंड्स भी मुझे पहचान जाए कि मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं आई कैन टेक द नेम क्योंकि दिस इज अ कॉमन नेम स्पेसिफिकली मैं किसी को बात नहीं कर रहा बट नहीं कोई पता ही नहीं चलता यार किसी का कोई रिलीजन का पता नहीं चलता किसी का कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन का पता नहीं चलता कई बार स्टूडेंट मुझसे पूछते सर आप कौन सी पार्टी को वोट देते हो क्यों तुम्हें क्या मतलब है नेवर एवर डिस्कस पॉलिटिक्स और रिलीजन नेवर बहुत दिमाग खराब करते हैं फायदा कुछ नहीं होता टॉपर्स नेवर डू इट नेवर डू इट और सबसे इंपॉर्टेंट बात सेवंथ लास्ट बट एब्सोल्युटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात

और सब खत्म हो जाएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा मैंने तो मोस्ट ऑफन मैंने यही देखा है कि ज्यादातर जो टॉपर्स होते हैं कोई कोई टॉपर्स होते हैं ठीक है एक कप दो कप चाय पी ली नथिंग मोर देन दैट लेकिन मैंने मोस्ट ऑफन टॉपर्स होते हैं मैंने ये देखा है कि वो चाय कॉफी किसी भी तरीके के कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा से दूर ही रहते हैं दे डोंट नीड इट उनको कोई जरूरत नहीं होती नहीं ंटी अल्स डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया भाई ठीक है आपको बुखार है 104 बुखार हो रहा है तो 104 बुखार अच्छा नहीं होता डॉक्टर ने आपको एक प्रिस्क्राइब कर दी मेडिसिन की ठीक है ये मेडिसिन ले लो फाइन गुड मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डॉक्टर की बात मन मानो मैं ये नहीं कह रहा कि मेडिकेशन यूज मत करो मैं कह रहा हूं फालतू के मेडिकेशन यूज मत करो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नेवर एवर यूज द मेडिकेशन विच आर नॉट रिक्वायर्ड समझ में आ रही है मेरी बात देखो ये सात पॉइंट्स है होने को तो और बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं लेकिन ये सात पॉइंट्स मुझे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं दैट इज व्हाई आई वाज डिस्कसिंग विद यू आई होप यू विल फॉलो देम एंड दे आर यू विल सी अ वेरी वेरी मार्क्ट इंप्रूवमेंट इन योर वर्कआउट आप अपने डेवलपमेंट के अंदर एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट देखेंगे सिर्फ आज ही ट्राई करके देख लो ना एक दिन में एक दिन में आपको फर्क दिखाई देगा एक घंटे में आपको फर्क दिखाई देगा बस फालतू की चीजें सोचना ही बंद करो और ऐसी कोई चीज मत करो जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करती है ओके okay? बाय और ये सारी की सारी बातें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है